हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और हर बार गोल मार के शर्ट उतार के येलो कार्ड खा के जलील होने वाले को रिचार्लिसन कहते हैं। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम ऑब्वियसली बात करने वाले हैं लिवरपूल के बारे में, नेपली के बारे में भी बात करेंगे, उसको भी टच करेंगे। पीएसजी के साथ बलात्कार हो गया, लोरियंट ने बलात्कार कर दिया उनके साथ, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली वी विल टॉक ऑल्सो अबाउट डॉर्टमुंड, क्योंकि टाइटल उनके हाथ से भी स्लिप हो चुका है। बोरसिया डॉर्टमुंड जो है उन्होंने ड्रॉ किया बोखम से, और बोखम जो है वो भी रेलिगेशन फाइट कर रही है, और इस वक्त वो टेबल के ऊपर 16 प्लेस पे है। उनको एक प्ले ऑफ खेलना पड़ेगा जो नीचे वाली डिवीजन होगी बुंडेसलीगा 2 की, ताकि वो रेलिगेशन से बच सकें। तो ये पॉइंट उनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये पॉइंट उनके पास ना आता तो हो सकता है वो 17 प्लेस पे चले जाते, विच गारंटीज रेलिगेशन इन बुंडेसलीगा। तो 16 प्लेस पे ये फिर भी आपके पास प्ले ऑफ का एक चांस होता है, एंड यू कैन सर्वाइव। डॉर्टमुंड के लिए बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा, क्योंकि मैं बताता चलूँ कि जूलियन ब्रांड खेल रहा था, एमरे जैन खेल रहा था, और बेलिंगम खेल रहा था मिडफील्ड के अंदर। एडी एमी को काउंटलेस चांसेस मिले, 7-8 चांसेस उसको मिले हैं। 7th मिनट में एडी एमी ने ही इक्वलाइजर मारा, सो दे हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि या तो वो पिछाड़ देते बोखम को, या फिर वो बोखम को हरा देते। कम से कम 2-1 तो हराना चाहिए था, बट क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा यंग हैं, एवरेज एज मेरे ख्याल से इनकी 23 साल है डॉर्टमुंड की, तो वो शो हो रहा था, क्लियरली शो हो रहा था कि बौखला रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं तो हमें नज़र आता है कि यार बौखलाहट का शिकार ये लोग हैं। साथ में यस, एक्सपीरियंस प्लेयर जो थे, जैसे कि मैं बताता चलूँ, ब्रेंट इज़ एन एक्सपीरियंस प्लेयर, एमरे जैन इज़ एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, उसको भी हम एक्सपीरियंस ही कहेंगे क्योंकि लिवरपूल के लिए भी वो खेलता था पहले 2015 वाले दौर में। फिर डॉर्टमुंड के पास सूले है, दे हैव मैट हमल्स हु इज़ सच एन एक्सपीरियंस प्लेयर, रफाइल गरेरो ऑल्सो ही हैज़ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन हिज हैंड्स अंडर हिज बेल्ट। लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है कि डॉर्टमुंड का ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो यंग प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड वो कोशिश करते हैं कि उनकी 60-70% साइड जो है वो यंग हो, तो वो जो है जब आप एकेडमी से लड़के लेके आ रहे हो या आप यंग प्लेयर साइन कर रहे हो, तो उनके पास वो टाइटल चार्ज का जो प्रेशर है उसको संभालने का एक वो कहते हैं ना गूदा नहीं होता, सो वो नजर आया कि डॉर्टमुंड के पास वो बिल्कुल वो गूदा नहीं है। एंड लोसिला ने गोल मारा, और लोसिला ने जिस तरह से वो गोल मारा, एक तो वो बहुत अच्छा गोल था और ब्रिलियंटली टेकन एंड ग्रेट फिनिश। लेकिन प्रॉब्लम वही आई थी कि एक तो जोन 14 बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट हो रहा था डॉर्टमुंड का, दूसरा जो वाइट स्पेसेस थे डॉर्टमुंड के वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट होते, क्योंकि रफाइल गरेरो काफ़ी ज़्यादा या तो वो इन्वर्ट हो जाता था, मोस्टली वो इन्वर्टेड उसमें चला जाता था, और समटाइम्स ही वॉज इन द सेकेंड हाफ बॉम्बार्डिंग फॉरवर्ड्स। और जो उनका राइट बैक है रियर्सन, वो तो वैसे ही थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, वो भी बॉम्बार्ड कर रहा था, वैसे वो नॉर्मली इतना बॉम्बार्ड नहीं करता, बट ही वॉज गोइंग क्वाइट हाई। तो वो एक प्रॉब्लम थी जो कि जिसपे इनको एक्सप्लॉयट किया गया, और सेट पीसेस पे भी कोई खास डिफेंडिंग नहीं थी डॉर्टमुंड की, सो इट वाज प्रीटी मच अ शिट परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम डॉर्टमुंड। और मेरे हिसाब से ये ट्रूली बॉटल की है, ट्रूली। आपने सिर्फ ये करना था कि अगले 5-6 गेम्स जो हैं, जितनी भी गेम्स बची थी इनके पास, वो इन्होंने जीतनी थी, और कंसिस्टेंसी नहीं शो कर पा रही डॉर्टमुंड। बायर्न दोबारा से टॉप पे आ गई है, और बायर्न ने हर्था बर्लिन को 2-0 हरा दिया है। कोमेन ने गोल मारा, हमने जैसे कि देखा, सो दे स्कोर 2 गोल्स, और गनाबरी ने गोल मारा। तो अब जो टाइटल है वो बायर्न के हाथ में, और बस अब एक पॉइंट का फ़र्क है। तो डॉर्टमुंड का मुझे अब ये जीतता हुआ बहुत मुश्किल लग रहा है। बायर्न ने प्लेट में रख के दिया था टाइटल इन लोगों को, प्लेट में, और ये फिर भी उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाया। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, क्योंकि मैं बुंडेसलीगा में डॉर्टमुंड को ही सपोर्ट करता हूँ। सो या लेट्स सी क्या होता है आगे, बट इट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट टाइटल रेस, मैं ये ज़रूर कहूँगा। पिछले 6-7 सालों में ये सबसे बेस्ट, बल्कि 10 सालों में सबसे बेस्ट टाइटल रेस है ये बुंडेसलीगा की, विदाउट अ डाउट। आगे जी मैं आता हूँ नेपली के ऊपर, और नेपली ने हक दिया। अगर वो ये मैच जीत जाते तो मैं इस वीडियो का टाइटल रखता कॉन्ग्रेचुलेशंस नेपली, क्योंकि 33 ईयर्स के बाद वो टाइटल जीतते, सीरिया आ का इटालियन जो टाइटल है। और नेपली नहीं जीत पाई क्योंकि बोलाई डिया जो कि मेन स्ट्राइकर है
सलर्निताना का, वो जो है उसने गोल मार दिया 84 मिनट में और इक्वलाइज कर दिया। और मैं बताता चलूं कि ओकोवा जो मेक्सिको का गोलकीपर है वो खेलता है सलर्निताना के लिए, एंड ही वाज मतलब इन सुप्रीम फॉर्म। ऐसा लग रहा था वर्ल्ड कप वाला जो मेक्सिको का जो ओकोवा है वो आया हुआ है। नॉर्मली लीग गेम्स में वो इतना अच्छा नहीं खेलता क्लब्स के लिए, बट जो इंटरनेशनल अपनी कंट्री के लिए वो जैसे खेलता है उसी तरह की उसने परफॉर्मेंस दी। और ओकोवा वॉज ब्रिलियंट फॉर सलर्निताना, एंड भाई मज़ा आ गया। पहला गोल जो था ओलिवेरा ने मारा, ऑब्वियसली जो उनका लेफ्ट विंग बैक है लो या लेफ्ट बैक है, लेकिन डियाज स्पॉइल्ड द पार्टी और इसका यही अभी टाइटल हो सकता है। एंड यही इस वक्त सारी न्यूज़ की हेडलाइंस में आ रहा होगा, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगला मैच अगर जीत जाती है नेपली या इवन ड्रॉ भी करती है, नहीं जीतना ज़रूरी है, सो अगर अगला मैच जीत जाती है या फिर लेजियो ड्रॉ कर देती है तो नेपली विल डेफिनेटली विन द लीग टाइटल। एंड क्वारेट्स्खेलिया जैसे लोगों को मेडल मिलेगा, और पोलिटानो जैसे लोगों को, ओसिमेन जैसे लोगों को, लबोटका, एंग्विसा एंड ज़ेलिंस्की जैसे लोगों को मिलेगा मेडल। सो वेरी हैप्पी फॉर देम। हर न्यूट्रल बड़ा खुश होगा जब नेपली जो है वो सीरिया टाइटल जो है उठाएगी। इट इज़ इनएविटेबल, मतलब ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि दे आर गोइंग टू विन द टाइटल। आगे जी बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्लब की जो बिल्कुल सोललेस है, बिल्कुल सोललेस क्लब है ये, और इसमें काफ़ी टॉकिंग पॉइंट्स हैं, देर आर लॉट्स ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स। अनफॉर्चुनेटली जी मेसी को लाजमी छोड़ना पड़ेगा पीएसजी, क्योंकि इस सोललेस क्लब में भाई वो नहीं रह सकता, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो लोरियंट की टीम थी जिसने पीएसजी को 3-1 उनके घर में घुस के मारा है, उनकी टीम में एक लड़का खेलता है एंजो लफी। जी हाँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है? मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक पूरी एंजो लफी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि क्यों एंजो जो है वो लिवरपूल उसको साइन कर सकती है और उसको साइन करना चाहिए लिवरपूल को। मेरे हिसाब से एक दिन ये लड़का प्रीमियर लीग के अंदर टॉप 6 के अंदर खेलेगा। मैं आपको यहाँ पर लिंक भी दे दूँगा तो आप जाके वहाँ पर देख लेना, पूरी मैंने एंजो लफी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई और उसने पीएसजी के अगेंस्ट इस मैच में गोल भी मारा है। सो आई थिंक 6 या 7 गोल वो मार चुका है, 5-6 असिस्ट्स भी कर चुका है वो। सो उसका बहुत अच्छा और स्टेलर सीज़न जा रहा है, ब्रेकआउट सीज़न है एंजो लफी का फॉर लोरियंट, एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स। और मैं बड़ा खुश हुआ जब एंजो लफी ने परफॉर्म किया वर्सेज पीएसजी, क्योंकि मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। मसला ये है, जो पीएसजी का क्या मसला है तुम ये पूछोगे, पीएसजी का मेन प्रॉब्लम ये है कि सिवाय आप कह लो अशरफ हकीमी के, सिवाय मेसी और एम्बापे के, किसी का रोल डिफाइंड नहीं है इस गेम में। तो बिल्कुल भी किसी का रोल डिफाइंड नहीं था, हमें नहीं समझ आ रही थी डेनिलो परेरा का क्या रोल है, वो किस पोजीशन में खेल रहे, कभी वो आगे बॉम्बार्ड करता था, कभी पीछे रहता था। विटिनिया, विराटी, चलो विराटी तो फिर भी थोड़ा सा होल्ड अप प्ले कर रहा था, बॉडी चेक करके, टर्न करके कोशिश कर रहा था पासिस स्प्रेड करे, उसके अलावा कोई भी उस मिडफील्ड के अंदर ऐसा बंदा नहीं था जो कि चांसेस क्रिएट करके दे पाए। विटिनिया वॉज डेड, डेनिलो परेरा वॉज डेड, कार्लोस सोलेर को आप गलत पोजीशन में खिला रहे हो, आई एम रियली सॉरी टू से, उसका अभी तक रोल डिफाइन नहीं हुआ। जब से वो वेलेंसिया से आया है कार्लोस सोलेर का कुछ पता नहीं है कि उसका क्या रोल है। सो इसमें ही इज अ ग्रेट प्लेयर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कार्लोस सोलेर, उसके साथ लेकिन ज्यादती हो रही है। रामोस डिक्लाइनिंग एज हेल, अनफॉर्चुनेटली देखो एज जब होती है तो बंदा फिर मतलब बुढ़ापा आता है, यू डू एज समटाइम्स। अब वो ऐसी परफॉर्मेंस देता है रामोस को, ऐसा लगता है 2014 वाला रामोस है। समटाइम्स वो इस तरह की परफॉर्मेंसेज देता है जिस तरह की इसने लोरियंट के अगेंस्ट दी, एंड मार्क्विनियोस, बर्नाथ, दे वर ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटिंग, डोनारूमा एज वेल, लेकिन डोनारूमा का ज़्यादा कसूर नहीं है जब आपका डिफेंस इतना शिट खेल रहा हो और आपकी जो मिडफील्ड की प्रेसिंग है वो टोटली डिसमेंटल्ड हो और डिसओरिएंटेड हो बाय द पेस ऑफ द फ्रंट थ्री ऑफ लोरियंट, जिसमें एंजो लफी का कलीदी किरदार था। पीएसजी जो है उसने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, कभी वो 3-4-3 खिला देती है, कभी वो 3-5-2 खिला देती है अगर नेमार इंजर हो जाए, कभी वो 4-4-2 डायमंड खिला देती है, कभी वो 4-4-2 खिला देती है, कभी वो 4-2-3-1 खिला देती है। तो कोई सेट पैटर्न नहीं है गाल्टियर का, गाल्टियर को कुछ पता नहीं है कि क्या फॉर्मेशन मैंने यूज़ करनी है और उसके अंदर हर प्लेयर का क्या रोल है। कल वो खिला रहा था 4-2-2-2, मतलब जो अभी मैच हुआ है लोरियंट के अगेंस्ट, तो उसमें किसी प्लेयर का रोल डिफाइंड नहीं था कि हाँ यार ये राइट विंगर है तो ये राइट विंग पे ही रहेगा, नहीं जी, हर कोई जिधर उसका दिल कर रहा है वो घूम रहा है, कोई डिसिप्लिन, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सो आई थिंक गाल्टियर हैज़ टू गो, गाल्टियर कैन नॉट स्टे एट पीएसजी। पीएसजी वैसे ही एक सोललेस क्लब है और गाल्टियर उसको मजीद सोललेस कर देगा, क्योंकि आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट मैरिज बिटवीन द क्लब एंड द फिलोसफी ऑफ द मैनेजर। सो गाल्टियर नीड्स टू गो, ही हैज़ टू गो, ही इज़ नॉट अ बैड मैनेजर, मैं ये नहीं कह रहा, किसी और जगह जाएगा शायद फ्लरिश करे, बट पीएसजी में नो वे, नो वे, ही कैन नॉट फ्लरिश हियर। अच्छा जी, अब मैं बात करने वाला हूं लिवरपूल वर्सेस टॉटनहम की। जी हां बिल्कुल, जो कि मेरा फेवरेट क्लब है लिवरपूल फुटबॉल क्लब।
बहुत मुश्किल से जीते हम, मर मर के जीते और आखिर में बहुत मज़ा आया। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि फट के हाथ में आ गई थी और 3-3 हो गया था। एंड व्हाट अ ग्रेट कमबैक भाई। मैं सबसे पहले तारीफ़ करना चाहता हूँ रायन मेसन की, जो कि अभी आई थिंक केयर टेकर मैनेजर है टॉटनहम हॉटस्पर का और प्लेयर भी रह चुका है। ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट टॉटनहम, ही इज़ अ टॉटनहम फैन एज वेल। देखते हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होता है या नहीं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। आई थिंक दे विल डेफिनेटली अपॉइंट समवन इन द समर। लेकिन भाई जो इसने फाइट शो की है वर्सेज यूनाइटेड, जिस तरह के कमबैक मारा है, जिस तरह से ऑलमोस्ट लिवरपूल के खिलाफ कमबैक मार दिया, यू हैव टू यू नो गिव क्रेडिट टू हिज पैशन, टू हिज डिटर्मिनेशन एंड हिज ग्रिट। कि जिस तरह से वो बहुत ज्यादा एनिमेटेड होता है टच लाइन पे, मतलब कल वो ऑलमोस्ट क्लॉप जितना ही एनिमेटेड था, और क्लॉप को कोई मैच नहीं कर सकता एनिमेशन में, या होजे मोरिनियो को कोई मैच नहीं कर सकता। सो कल क्लॉप के जो दो रिएक्शंस थे वो बहुत मजे के थे। एक जब वो ऑफसाइड उसने दे दिया रेफरी ने, जो फोर्थ ऑफिशियल था, तो क्लॉप जो है वो नीचे भाई गिर गया जमीन पे और अपना सर पकड़ के बैठ गया कि ये किस किस्म का डिसीजन था। और दूसरा जब वो जोटा ने गोल किया, व्हाट एन एक्सक्विजिट फिनिश, बेंच से उठ के आया जोटा, एंड जोटा इज नाउ 5 goals, 5 crucial goals इन दिस 4-match विनिंग रन फॉर लिवरपूल। तो मजा आया भाई देख के बहुत ज्यादा। एंड हैमस्ट्रिंग भी पुल हो गई यर्गन क्लॉप की, पहली इंजरीज इतनी ज्यादा हो रही है, ऊपर से हमारा मैनेजर भी इंजर हो जाएगा तो भाई हम कहां जाएंगे। ग्रेट गेम ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, 6 assists थी उसकी 5 matches के अंदर, 6 assists। मैंने इसके ऊपर एक 2 detailed videos बनाई है कि कैसे थियागो और गाकपो जो है वो खेल सकते हैं बॉक्स मिडफील्ड में। उसमें मैंने ट्रेंट का भी जिक्र किया था कि वो कैसे डबल पिवट में खेल सकता है। फिर मैंने जिक्र किया था कि जो अभी लेटेस्ट वीडियो मैंने डाली है ट्रेंट पे, कि क्यों वो इतना फ्लरिश कर रहा है, क्योंकि वो पिरलो के किरदार में खेल रहा है और एक डीप लाइंग प्ले मेकर खेल रहा है बेसिकली। सो दैट्स वाई ही इज़ फ्लरिशिंग। लेकिन इसका एक कौन है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इसका कौन ये है कि ट्रेंट पीछे ट्रैक बैक नहीं कर सकता। अगर आप ह्यूंगमिन सॉन का वो गोल देखो, जो कि क्रिश्चियन रोमेरो ने एक्सक्विजिट और तबाही किस्म की बॉल डाली थी, मॉड्रिच वाली बॉल थी वो जो था ना, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता था ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं ज़्यादा कसूर उसको नहीं दूंगा, ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कोनाटे की और वैन डाइक की थी इन माई ओपिनियन, क्योंकि बॉल असल में आई कोनाटे के ऊपर से है। सो वो एक इशू है, एंड इट वॉज कम्प्लीट मिसकम्युनिकेशन एंड अ ग्रेट रन बाय सॉन एज वेल, उसको भी क्रेडिट देना होगा। लेकिन यार हम बुखला गए थे, हम आखिरी 10 मिनट में टोटली बुखला गए थे। और ये है कि ट्रेंट अटैकिंग प्रोवेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक उसका कौन हमें रहेगा कि वो ट्रैक बैक नहीं कर सकता, और उसके लिए आपको एक ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा एक विंगर चाहिए जो पीछे आकर ट्रैक बैक करे। मे भी शायद आपको सलाह को ये ड्यूटी देनी पड़े, शायद आपको हार्वी एलियट को ये फ्यूचर में ड्यूटी देनी पड़े। कल मुझे बड़ी खुशी हुई कि हार्वी एलियट जो है वो राइट हाफ स्पेस में स्टार्ट कर रहा था, हैंडरसन वॉज नॉट स्टार्टिंग। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में यही बोला था, जो मैंने बॉक्स मिडफील्ड पर वीडियो बनाई थी थियागो और गाकपो की, कि हार्वी एलियट को राइट हाफ स्पेस में खेलना चाहिए, जहां पे बार्सिलोना के लिए पेड्री खेलता है उसमें उसको खेलना चाहिए, बिकॉज Henderson cannot track back as well, he has lost his legs. तो बहुत ज़्यादा उसमें work rate चाहिए होता है, और Harvey Elliott can provide that. Harvey Elliott can also provide the width अगर Salah tuck in करता है, उस केस में भी वो आपको help out कर सकता है। तो वो एक चीज़ है, और tracking back में Trent की वो मदद कर सकता है। कल तो खैर वो तब तक मदद कर रहा था जब तक वो पिच के ऊपर था। जैसे ही Henderson आया, आपने देखा हमने गोल खाना शुरू कर दिया और हम एक्सपोज हो रहे थे राइट फ्लैंक से। उससे पहले Harvey Elliott was trying to provide Trent some protection, उसके अलावा कोई ट्रेंट को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था। और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस वैसे ही कोनाटे है, वो वैसे ही एक्सपोज कभी ना कभी होगा, हर बार वो बचाने नहीं आएगा ट्रेंट को। तो ये है, ही डज प्रोवाइड प्रोटेक्शन 80% ऑफ द टाइम, कोनाटे की मैं बात करूं ट्रेंट को। बट कल खुशी हुई कि Harvey Elliott जो है वो अच्छा खेल भी रहा था, ट्रैक बैक भी अच्छा कर रहा था, और राइट हाफ स्पेस में अच्छा लिंकअप भी कर रहा था। कर्टिस जोन्स पे मैं आता हूं दोस्तों। कर्टिस जोन्स तबाही परफॉर्मेंस, प्रॉबेबली हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इन लिवरपूल शर्ट। मेरा यार देखो, यू सबको पता है मेरा लिवरपूल का जो कर्टिस जोन्स है उसके साथ मेरी क्या फीलिंग्स है। एक ज़माने में मैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, बहुत डिफेंड करता था, लेकिन जब उसने हगना शुरू किया 30-35-40 मैचेस में एक साथ, और वो इंजर भी हो गया, हर वक्त वो इंजर रहता था, तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, पहले ही वो इस सिस्टम के अंदर फ्लरिश कर रहा है। ये जो सिस्टम है ना 3-box-3 का, इसके 2 beneficiaries हैं, एक ट्रेंट है और दूसरा कर्टिस जोन्स है। कर्टिस जोन्स इस सिस्टम में तबाही खेल रहा है,
विदाउट अ डाउट आर्सेनल की गेम से लेके अब तक आई हैव टू से ये एक डिफरेंट कर्टिस जोन्स है। और क्योंकि हम बॉक्स मिडफील्ड खिला रहे हैं, आर्सेनल की गेम से ही हमने स्टार्ट किया था खिलाना, तो अब हमें समझ आई है कि भाई हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और हमारे प्लेयर्स के रोल क्या हैं। सो द लेफ्ट हाफ स्पेस जहाँ पे बार्सिलोना के लिए एग्जाम्पल है कि जैसे गावी खेलता है, उधर कर्टिस जोन्स खेल रहा है इस टाइम पे, सो ही इज़ प्लेइंग ब्रिलियंटली। डार्विन नूनेस के मिनट्स थोड़े कम हो जाएंगे, थियागो के मिनट्स थोड़े कम हो गए क्योंकि फेबिनियो फॉर्म में आ गया। फेबिनियो क्यों फॉर्म में है? क्योंकि ट्रेंट उसकी मदद करता है, ट्रेंट उसकी हेल्प करता है डबल पिवट के अंदर। सो वो जो है ना एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि फेबिनियो के अंदर लैक कर रही थी, तो वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। बट आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हार्वी एलियट इन द बॉक्स मिडफील्ड इन द राइट हाफ स्पेस। और मैं थियागो को भी देखना चाहूँगा, इवन दो उसकी बहुत ज़्यादा वो इंजरी प्रोन है, बट ही इज़ बैक फ्रॉम इंजरी, तो आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ थियागो इन द बॉक्स मिडफील्ड, क्योंकि वो आतंक मचा सकता है भाई। ही इज़ द बेस्ट मिडफील्डर वी हैव व्हेन ही इज़ फिट। रिचार्लिसन को मैं कहना चाहता हूँ, भाई धूल चाटने से पहले सेलिब्रेट नहीं करते दोस्त, नहीं करते। एक तो भाई जो उसका मुंह बंद किया है ना एनफील्ड ने और जोटा ने, हर बार वो यही करता है कि वो गोल मारता है, ठीक है, वो येलो कार्ड खाता है, वो शर्ट उतारता है, शर्ट उतारने की वजह से येलो कार्ड मिलता है, और वो फिर जलील होता है, जलील और ख्वार होता है। वो जलालत उसकी जो है ना उसके उसमें लिखी हुई है, मुकद्दर में लिखी हुई है, उसकी डेस्टिनी में जलालत है। मैंने कभी किसी प्लेयर से नफरत नहीं की है, मैंने आज तक किसी प्लेयर से नफरत नहीं की। हाँ, मैं यूनाइटेड से नफरत करता हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड एज एन इंस्टीट्यूशन मैं उनसे नफरत करता हूँ, मैं उनके प्लेयर्स से आज सच नफरत नहीं करता, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैंने किसी प्लेयर से नफरत नहीं की, लेकिन रिचार्लिसन मुझे फुटबॉल में मजबूर कर रहा है कि मैं उससे शदीद किस्म की नफरत करूँ। एक तो पहले बर्नार्डो सिल्वा होता था, चलो वो तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसका बनता भी है, ये क्या है भाई, ही इज मीडियोकर एट बेस्ट। स्पर्स फैन ऑफेंड ना होना, बट ही इज मीडियोकर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रिव्यू, अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो कमेंट में ज़रूर ठोकना, अपने ओपिनियंस भी बताना, व्यूज़ भी बताना। आई विल सी यू सून, और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोको। हस्ता ला विस्ता।